जैसे इस बार काराकाट का ऐसा माहौल है कि पूरा क्षेत्र पवनमय हो गया है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं। तो या तो काराकाट की जनता हमको यहाँ रख ले या हम लोग को यहाँ से भेज दे, काराकाट की जनता के हाथ में। आखिर काराकाट की जनता को पवन सिंह पर इतना भरोसा क्यों है? ये तो काराकाट के जनता से पूछे क्यों, पवन सिंह बेटा है, घर का भाई है, केहू कतनो आई और जाई, कामे लइकवे आई, ठीक ना, कामे लइकवे आई, तो लइकवा घर के अपने मिट्टी में विकास करना चाहते हैं। जो लड़के के पास दूसरे के यहाँ से गोईठा मांग के आता था तो खाना बनता था, उस लड़के को आप लोग ने इतना ऊपर बढ़ा दिया कि देश विदेश में टॉप 3 टॉप 2 में वर्ल्ड में आते हैं पवन सिंह। पवन सिंह हर चीज उनके पास है, शोहरत है, दौलत है, सब चीज है। अब उनका बारी है आप लोगों को सेवा करना, इसलिए पवन सिंह आए। 85 रैलियां जब पवन सिंह किए थे बीजेपी के लिए, जब सबसे बड़े स्टार प्रचारक हुआ करते थे, उस समय उनके साथ जो लड़के थे वो सब लफुआ नहीं थे। आज इस पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गया था, जो जो उनके साथ सपोर्टर सबके सब लफुआ हो गए, तो बताइए कि काराकाट की जनता को अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं? मैं अभी लोकसभा क्षेत्र काराकाट में मौजूद हूँ। यहाँ पे पवन सिंह आए हुए थे और काफी लाखों की संख्या में भीड़ थी। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक स्कॉर्पियो क्लासिक 11 लगी हुई है। यहाँ पे देखिए काफी भीड़ जमी, इधर आइए कैमरामैन, थोड़ा सा आइए भैया, थोड़ा सा इधर देखिए, देखिए यहाँ पे आइए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। मोदी जी का नारा है कि बिहार में 40 में 40 और देश में 400 पार। क्या कहना चाहते हैं? जो पावर स्टार पवन सिंह है वो निर्दलीय लड़ रहा है। पहले बीजेपी में थे, उनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। पहले बीजेपी के तरफ से उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था, तो उन्होंने क्यों वापस कर दिया और निर्दलीय लड़ने का फैसला उन्होंने क्यों लिया? पहला चीज आपके इन लोगों के जवाब में मेरा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जीतने के बाद अमेरिका लंदन भाग जाएंगे, ये आ रहा है बात जी। तो जब अमेरिका ही लंदन भागना होता तो आसनसोल से टिकट मिला था, वो क्यों नहीं लड़े? आसनसोल चले जाते। उनको अपने मिट्टी से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है। बिहार से लड़ना चाहते, बिहार से और अपने साहबाबाद क्षेत्र से लड़ना चाहते थे, अपने मिट्टी में विकास करना चाहते हैं। जो लड़के के पास दूसरे के यहाँ से गोईठा मांग के आता था तो खाना बनता था, उस लड़के को आप लोग ने इतना ऊपर बढ़ा दिया कि देश विदेश में टॉप 3 टॉप 2 में वर्ल्ड में आते हैं पवन सिंह। टॉप मेरा धनी हो शब्द, वर्ल्ड में नंबर 1 गाना बना। ये सब आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोग इतना ऊपर बढ़ा गए। पवन सिंह हर चीज उनके पास है, शोहरत है, दौलत है, सब चीज है। अब उनका बारी है आप लोगों को सेवा करना, इसलिए पवन सिंह आए। बस पवन सिंह जी को बैठाने का भी, नामांकन वापस लेने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा था। अच्छा, काराकाट की जनता नहीं चाहिए तो नामांकन वापस ले लेंगे? काराकाट की जनता ही, काराकाट की ही जनता चाहेगी तभी नामांकन वापस लेंगे। काराकाट की जनता चाहेगी तो बैग चले जाएंगे। काराकाट की जनता चाहेगी तो, या तो काराकाट की जनता हमको यहाँ रख ले या हम लोग को यहाँ से भेज दे, काराकाट की जनता के हाथ में। आखिर काराकाट की जनता को पवन सिंह पर इतना भरोसा क्यों है? ये तो काराकाट की जनता से पूछे क्यों, पवन सिंह बेटा है, घर का भाई है, केहू कतनो आई और जाई, कामे लइकवे आई, ठीक ना, कामे लइकवे आई, तो लइकवा ये घर के हो तो लोग। अच्छा, अपना भाई पा बेटा पर भरोसा ना करके कहा अमेरिका से आएगा, उसे भरोसा करिएगा? तो जो एनडीए के जो विपक्षी लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जो है ना 18 वर्ष कम उम्र के बच्चे और जो नौजवान है लफुआ सेल्फी लेने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो लोग बोल रहे हैं, आप इंडिया से है ना जी, आप खुद बोल दीजिए कि कैसे लोग घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा आपसे एक मिनट भैया, 85 रैलियां जब पवन सिंह किए थे बीजेपी के लिए, जब सबसे बड़े स्टार प्रचारक हुआ करते थे, उस समय उनके साथ जो लड़के थे वो सब लफुआ नहीं थे। आज इस पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गया था, जो जो उनके साथ सपोर्टर सबके सब लफुआ हो गए, तो बताइए कि काराकाट की जनता को अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं? और उन्हीं का मोदी जी उनका सपोर्ट में राजनाथ सिंह हो या अमित शाह, जब जो भी बताइए, जब से बीजेपी से निष्कासित किया गया पवन सिंह को, तब से जितने भी बड़े मंत्री हैं एनडीए के, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हो, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सारे लोग लगातार प्रतिदिन रैलियां अपना स्टार्ट कर दिए हैं काराकाट में। अच्छा काराकाट की जनता, अच्छा काराकाट की जनता ही आने से, इस बार काराकाट का ऐसा माहौल है कि पूरा क्षेत्र पवनमय हो गया है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा बात। विकास का क्या क्या मुद्दा रखे हैं पवन सिंह? हमने मैनिफेस्टो जारी करे, देख लीजिए, हमने जारी किया।